लॉकडाउन के लगभग डेढ़ महीने बीत चुके हैं और जनमत की पुकार आपको लगातार दिखा रहा है कि किस तरह दिहाड़ी मजदूरों व गरीब आदमियों पर इस त्रासदी की सबसे बड़ी मार पड़ी है। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लॉकडाउन लगाया गया था। लॉकडाउन में छूट के दौरान दिल्ली सरकार ने शराब की दुकानें को खोला तो पियक्कर लोगों की तलब इतनी बढ़ गई कि ये लोग अब लॉकडाउन के नियमों को भी नहीं मान रहे। इनकी ओर से शारीरिक दूरी का पालन न करने से लॉकडाउन ही संक्रमित हो गया है। एक तरफ सरकार लॉकडाउन कर दिहाड़ी मजदूरों का रोजी रोटी छीन लिया है, लोग भूख के मारे दर दर भटक रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सरकार राजस्व बढ़ाने के लिए शराब का ठेका खोल दिया है। राजधानी के दिल्ली के लोग क्या कहते हैं, आइए आपको दिखाते हैं। ये जो है कोरोना जैसा महामारी जो आज आया है तो इसमें तो हर आदमी को करना चाहिए, और बिहार मैत्री संघ अगर अपनों के काम नहीं आएगा तो किसके काम आएगा। और हमारे राष्ट्रीय संरक्षक श्रीमती रमा देवी इस बिहार मैत्री संघ के संरक्षक भी हैं। आज कल उनका जन्मदिन था, उनके जन्मदिन के ऊपर में भी विशेष प्रायोजन कराया गया था, और आज भी दाल चावल चोखा जो बिहार का व्यंजन है अब पूरा भरपूर मात्रा में दिया जा रहा है, और सूखा राशन भी दिया जा रहा है उनके जन्मदिन पर। और हम तो आज जो बिहार सरकार से और केंद्र की सरकार से और दिल्ली सरकार से तीनों सरकारों से निवेदन करेंगे, जो हमारे प्रवासी भाई यहाँ फंसे पड़े हैं उनको जाने के लिए कोई व्यवस्था करें, उसके लिए हमारा कोई सहयोग चाहिए तो हम करने के लिए तैयार हैं। रजिस्ट्रेशन उजिस्ट्रेशन आप देख रहे हैं, ये राष्ट्रीय कार्यालय जो है इस इतना बड़ा यहाँ बिहार मैत्री संघ को मिला हुआ है, और इसका कोई किराया जो है सरोज देवी नहीं लेती हैं जो मेरी धर्मपत्नी भी हैं, और उन्होंने दिया हुआ जब तक कोरोना है तब तक आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। इसे कार्यालय ऊपर है, भोजन बनाने के लिए ये सब करने के लिए यहाँ दिया गया है। और हमारे दिल्ली के महामंत्री रवि जायसवाल जी भी यहाँ आए हुए हैं, और उमेश यादव जी, ये सब लोग यहाँ खड़े हैं, विकास जी, तो ये सब लोग जो है लक्ष्मी सिंह जी, तो सब लोग यहाँ राशन और डिस्टेंस का मेंटेन किया जा रहा है। और मुझे एक बात बहुत तकलीफ है सरकार से जो भी हो कि शराब की दुकानें खुल गई, और ये शराब की दुकानें में खुलने के बाद इनके यहाँ जो लाइन लगी है उसमें कहीं सोशल डिस्टेंस का मेंटेनेंस नहीं किया गया, और शराब की बोतल पर लिखा हुआ है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो हम एक तरफ कोरोना की लड़ाई लड़ रहे हैं, लोगों के स्वास्थ्य की चिंता कर रहे हैं, और एक तरफ हम शराब बेचने का काम कर रहे हैं। सरकार केवल अपना खजाना भरने का काम कर रही है। नहीं, मेरे को ये समझ, ये तो आँख में माने आँख रहते अंधा बनाने की बात है। किसी ने मांग नहीं की थी, किसी जनता ने मांग नहीं की थी कि आप शराब का ठेका खोलो, ऐसा कहीं कोई मांग दिल्ली की नागरिक या बिहार का या कहीं का भी कोई आदमी नहीं मांगा था। वो राशन मांगे थे, वो घर जाने के लिए बसें मांगे थे, वो पैदल यात्रियों की दशा सुधारने की बात की थी, वो शराब का ठेका खोलने की बात नहीं की थी। मुझे तो आश्चर्य हो रहा है, मैं तो ये कहा कि सारी जमीन फट क्यों नहीं गई, इतना बड़ा घोर अनर्थ हुआ है कल का परसों का, लाठियां चली हैं, 70% शराब में दाम बढ़े हैं, लोगों की जेब ढीली की गई है, इससे क्या होगा, चोरी चंडाली महंगाई भ्रष्टाचार बढ़ेगा, घरेलू हिंसा, घरेलू जो झगड़ा हुआ घरेलू हिंसा बढ़ेगा है। जो आपको 10 दिन के कोरोना के में जो पुलिस का रिकॉर्ड है उसमें सबसे कम केस हुए हैं है, और ये 4-5 दिनों में जब से शराब की दुकानें ठेके खुले हैं तब से आप देख लीजिए, कल भी मैंने देखा किसी बिहारी भाई का जो है मजदूर माने वो किसी से उधारा पैसा लेके आया, अपने मालिक से छीन लिया गया, इस तरह की कई फोने मेरे पास आए। तो मैं तो निवेदन करूँगा कि शराब की दुकानें बंद हों और इसको खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, या शराब के ऊपर से वो हटा दे कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है। हमारे बिहार मैत्री संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी प्रदीप कुमार भैया जी पहले ही शराब बिक्री पे विरोध कर चुके हैं, और
ये नहीं होना चाहिए। उन्होंने पहले भी मना किया है कि शराब नहीं बिकना चाहिए, शराब जानलेवा है, कोरोना जैसे महामारी में शराब बेचा जा रहा है। तो दिल्ली सरकार अपने खर्चा पूरा करने के लिए और बीमारी को बढ़ाने के लिए शराब बेचने का काम कर रही है। बिहार मैत्री संघ इसका विरोध करेगा, बिल्कुल विरोध करेगा, अभी भी करेगा। जो लॉकडाउन खत्म होगा तो पूर्ण रूप से धरना प्रदर्शन करके प्रदीप भैया जी के नेतृत्व में इसका विरोध किया जाएगा। वो तो टीका जो भी हो, टीका तो बंद करवा देनी चाहिए, क्योंकि इससे घर में बीवी बच्चे को खाने को मिलता नहीं है। खाने के लिए औरत आती है, भटकती है, और आदमी पीकर घर में कलेश करता है, मारता है, पीटता है। मजबूरन औरत को गलत कदम उठाने पड़ती है, मरनी पड़ती है, बीवी बच्चों मरते हैं, आदमी दारू पीकर मस्त रहता है, अपने घर में कलेश करता है। तो मैं सरकार से यही कहूँगी कि जो भी हो दारू का ठीका बंद होना चाहिए, इसको बंद करवाए सरकार। दो दाल चावल सब्जी मिला है, चोखा चोखा मिला है, आलू का। हाँ बस दारू का ठीक है, सरकार बंद करा दे। आदमी पी के और नौटंकी करते, पी के फूल लड़ाई झगड़ा मारपीट करते। ये जब बंद था तो नहीं पीता था? नहीं बंद था तो नहीं पीते थे ना। अब कल से खुला है, परसों से बंद, और फूल हो रहे दिन में भी रात में भी।